हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने स्पाइडर प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। ये स्पाइडर प्लांट आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, आपको आपने देखा हो तो, अगर ना देखा हो तो देखिएगा। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया है स्पाइडर प्लांट पर। स्पाइडर प्लांट दोस्तों ऑक्सीजन तो भरपूर देता ही है, बहुत खूबसूरत भी लगता है। और अब आजकल ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, देखिए आप कितने रनर्स निकल रहे हैं, रनर्स से भरा हुआ है ये, देखिए न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं इसके, ढेरों रनर्स आ रहे हैं, ढेरों बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, देखिए आप। ये ऊपर भी हैं देखिए, तो ये प्लांट इस टाइम बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले भी बताया है कि इसकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए, मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए केवल। अगर हम इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी इसके लिए प्रॉब्लम है, और कम देंगे तो भी प्रॉब्लम है, चेक करके ही पानी दीजिए। और जो हम इस एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बना सकते हैं, आप खुद देखिए, देखिए कितने सारे प्लांट्स निकल रहे हैं, बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं और इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं। ये जो रनर्स निकलते हैं इनमें नीचे रूट्स बनती हैं, जब हम इसको स्प्रे करते हैं, इसको स्प्रे करने से रूट्स जल्दी बनती हैं और अच्छी रूट्स बनने लगती हैं, तो इसको स्प्रे कीजिए। ये मौसम है अब तो समर्स में, वैसे भी स्प्रे करने से प्लांट्स को अच्छा लगता है, प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं, ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और इसको पानी में लगाइए, मिट्टी में लगाइए, मैंने आपको बताया इसकी रूट्स बनती हैं। अगर आपको पानी में लगाना है तो पानी में लगाकर जल्दी रूट्स निकलेंगी, फिर आप उसको मिट्टी में भी शिफ्ट कर देंगे तो ईजीली लग जाएगा। और अगर आपको नहीं लगाना है तो आपको एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स वैसे ही खूबसूरत लग रहा है, अगर नहीं लगाना है, लगाना चाहें तो लगा लीजिए एक आध निकाल कर इसमें से। और मुझे इतना ही सुंदर लग रहा है तो मैंने अभी इसके प्लांट्स में से बेबी रनर्स नहीं निकाले हैं, अभी मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है कि मुझे इसे निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। बरसात का टाइम जो होता है, बारिशों का टाइम जो होता है, वो सबसे खूबसूरत टाइम होता है जब हम अपने प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो फरवरी का मंथ भी अच्छा होता है प्लांट्स को डिवाइड करने में, बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, वो मंथ अच्छा होता है। लेकिन अब समर्स आ गए हैं और अब आप चाहिए तो कर सकते हैं अभी भी, लेकिन अब आप बारिशों में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बारिशों में आप एक से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये प्लांट्स एक ऐसा प्लांट है जो आप एक बार लाइए, बहुत सारे बनाइए, गिफ्ट भी कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से चलते हैं ये प्लांट्स और बहुत खूबसूरत लगते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और एक से अनेक हो जाते हैं। अब अगर मैं इसकी लाइट की बात करूं तो इस टाइम इसके इस पर इनडायरेक्ट लाइट आ रही है, शेड में रखा हुआ है ये मेरे कवर्ड एरिया में। देखिए आप, ये मेरे स्टेयर्स हैं, यहाँ पर मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं तो ये यहीं पर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये मेरे सारे प्लांट्स यहाँ पर चल रहे हैं, इनको किसी को भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है, इनडायरेक्ट लाइट मिल रही है, और ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि सभी इंडोर प्लांट हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी इंडोर ही प्लांट है, तो ये देखिए आप, इसको डायरेक्ट लाइट नहीं आती इसीलिए ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, इसको हवा मिल रही है, इसको लाइट मिल रही है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब इस टाइम इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे ये। और ये इसको देखिए आप, इसको यहाँ से लाइट मिल रही है, ये मेरे यहाँ खुला हुआ है, यहाँ से लाइट मिल रही है और यहीं से हवा आती है, तो ये इतना अच्छा चल रहा है। इंडोर प्लांट जितने भी होते हैं उनकी ग्रोथ का सीक्रेट यही है कि उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, उनको फ्रेश एयर चाहिए और इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, और मिट्टी उसकी पोरस होनी चाहिए बस। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए इंडोर प्लांट को, तो हम मंथ में दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें बस काफ़ी है, बस आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। इंडोर प्लांट्स में बस आपको इतना ही ध्यान रखना होता है। तो आप लाइए स्पाइडर प्लांट, लगाइए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप सोचिए ये कितने सुंदर लगेंगे जब ये ऊपर लटकते हुए हैंग करते हुए दिखेंगे, कितने सुंदर लगेंगे इसके रनर्स। तो इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट्स लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो अगर मेरा
स्पाइडर प्लांट पर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। और आपके लाइक्स मिलते रहते हैं तो हमारा मन करता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।